अध्याय सात। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा। यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वो यहूदियों में फिरना ना चाहता था। और यहूदियों का मंडपों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से कूच करके यहूदियों में चला जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने तई जगत पर प्रकट कर। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वो मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में ये गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वो उनसे ये बातें कहकर गलील ही में रह गया। परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह आप ही प्रकट में नहीं, परंतु मानो गुप्त होकर गया। सो यहूदी पर्व में उसे ये कहकर ढूंढने लगे कि वो कहां है। लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कितने कहते थे, वह भला मनुष्य है, और कितने कहते थे, नहीं, वो लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदियों के भय के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। और जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने अचंभा करके कहा कि इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई। यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वो परमेश्वर की ओर से है, या मैं अपनी ओर से कहता हूं, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी, तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता, तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो। लोगों ने उत्तर दिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैंने एक काम किया और तुम सब अचंभा करते हो, इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है। ये नहीं कि वो मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई है, और तुम सब्त के दिन को मनुष्य का खतना करते हो। जब सब्त के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है कि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने सब्त के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया। मुंह देखकर न्याय न चुकाओ, परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ। तब कितने यरूशलेमी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसके मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। परंतु देखो, वो तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और उससे कोई कुछ नहीं कहता। क्या संभव है कि सरदारों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है। इसको तो हम जानते हैं कि ये कहाँ का है, परंतु मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि वो कहाँ का है। तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूं। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला
सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसकी ओर से हूं और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक ना आया था। और भीड़ में से बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए? फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना, और महायाजकों और फरीसियों ने उसके पकड़ने को सिपाही भेजे। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। यहूदियों ने आपस में कहा, ये कहां जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे? क्या वो उनके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं और यूनानियों को भी उपदेश देगा? ये क्या बात है जो उसने कही, तुम मुझे ढूंढोगे परंतु ना पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते? फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वो भविष्यद्वक्ता है। औरों ने कहा, ये मसीह है। परंतु किसी ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था? सो उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कितने उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ ना डाला। तब सिपाही महायाजकों और फरीसियों के पास आए और उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें ना की। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते, श्रापित हैं। निकोदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वो क्या करता है, दोषी ठहराती है? उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। तब सब कोई अपने अपने घर को गए।